हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज आपके सामने फिर एक न्यू रेसिपी लेके आई। राजमा और कढ़ाई दाल को रात भर भिंगो दिए थे। आपको जितना ले ना हो आप अपने अनुसार ले, लेकिन हम एक कप राजमा लिए थे, डेढ़ कप कढ़ाई दाल लिए थे। अभी कुकर धो लिए अच्छे से, कुकर लेंगे, उसमें उबलने के लिए डाल देंगे। दोनों को साथ में डाल दिए, इसको अच्छे से धोइएगा। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, 2 से 3 सीटी लगा देंगे इसमें। 3 सीटी लगाइएगा, जल्दी सीज जाती है इसलिए 3 सीटी लगा देंगे। अगर आपको लगा कि कच्चा है तो फिर भी आप चेक करके एक बार दोबारा सीटी लगा सकते हैं। 2 टमाटर लिए, 4 प्याज लिए, 3 हरी मिर्च लिए, धनिया पत्ता लिए, सबको बारीकी काट लेंगे। धनिया पत्ता काट लिए, प्याज काट लिए इस तरीके से, टमाटर को भी काट लिए इस तरीके से, धनिया पत्ता को भी काट लिए इस तरीके से। उसके बाद लाल मिर्च भी को भी, हरी मिर्च को भी काट लिए हैं। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। अब इसमें सबसे पहले तेज़पत्ता डालेंगे। आपके पास कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तेज़पत्ता डाल दिए, अब 2 हरी मिर्च कटा हुआ डाल देंगे। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसको हल्का लाल होने के बाद ना तेल डालेंगे। देखिए तेल डाल दिए ना, अब सबको हल्का सा ना लाल होने देंगे। ला दिए, लाल होने देंगे, ये कलर चेंज हो गई ना। अब इसमें ना प्याज डालेंगे। सबसे पहले प्याज को डाल दिए। प्याज को पकने देंगे 4 से 5 मिनट तक, इसीलिए इसको अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से चला लिए, थोड़ी देर रुक जाएंगे। आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इससे ना प्याज गल जाती है जल्दी, इसीलिए स्वाद अनुसार नमक डाल के लेंगे। उसके सब फिर से मिला लेंगे प्याज को इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा से मिला लिए ना। अब उबल चुका है, निकाल एक छन्नी में छान लेंगे। निकाल लिए, छन्नी से छान रहे हैं। देखिए कितना अच्छा से छना गया, 3 सीटी लगा है, 3 सीटी में आराम से हो गया है। देखिए कितना अच्छा से हो गया ना, तब तक प्याज भी गल रहा है। देखिए प्याज गल गई हल्का। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, बारीकी कटा हुआ टमाटर डाल रहे हैं, डाल दिए। इसको चला लेंगे फिर अच्छे से, सबको अच्छे से चला लिए। फिर इसको भी टमाटर को पकने देंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि अच्छे से गल जाए टमाटर भी। हो गया 4 से 5 मिनट, गल गई है। देखिए कितना अच्छा से। अब इसके अंदर मसाला डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, अब 1 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाला को डाल दिए, 1 कप पानी मसाला भुजने के लिए, इसलिए पानी डाल रहे 1 कप। मसाला भुनेंगे, सबको अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से, सब मिल गया। अब इसमें ना धनिया पत्ता डाल देंगे, जो बड़ी की काटे थे ना धनिया पत्ता को डाल दिए। सबको फिर मिला लेंगे इस तरीके से। अब ढक देंगे, ढक के छोड़ देंगे ताकि मसाला अच्छे से भुना जाए। 5 मिनट बाद खोले, देखिए फिर अच्छे से मिला लेंगे, फिर ढक देंगे। देखिए कितना अच्छा से मसाला भुजा गया ना, तेल भी छोड़ने लगा साइड साइड से, तेल छोड़ दिया। उसके ऊपर से ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले 1 चम्मच, ताकि सब्जी का कलर है ना अच्छा दिखे। इसीलिए अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालना। सबको मिला देंगे। उसके बाद 1/2 लहसुन का पेस्ट डाले हैं। देखिए इस तरीके से 1/2 लहसुन का पेस्ट डाल दिए। थोड़ा सा और मसाला को भूज देंगे। इस प्रोसेस से बनाएगा सब्जी सच में बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसी तरीके से मसाला भुनिएगा। अब उबला हुआ राजमा कढ़ाई दाल दोनों को डाल देंगे। इसको भी ना अच्छे से भुनेंगे 5 से 7 मिनट तक मसाला के साथ, इससे स्वाद अच्छी आएगी। इसीलिए इसको भुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबको भुन रहे हैं, इस तरीके से भून लेंगे रुक रुक के, बीच बीच में
कलर कितना अच्छा चेंज होने लगा ना, दिखने में कितना अच्छा। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते, इसी तरह रोटी के साथ खाना चाहते तो आप खा सकते, इससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी रोटी के साथ, या आप पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन हम इसमें पानी डाल रहे, एक गिलास पानी डाले हैं। ऐसे तो सब्जी सीझ गई है, फिर भी पानी डाल के हल्का सा रस को खदका लेंगे, इससे क्या होगा ना सब्जी का स्वाद अच्छा आएगा। देखिए हो गया, सबको मिला दिए। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पत्ता डाल देंगे। धनिया पत्ता डाल दिए, ढक देंगे, 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबल आने देंगे। देखिए कितना अच्छा से उबल आ गया ना। अब गैस को बंद कर देंगे, एक बार दो बार चला लेंगे पहले। देखिए कितना अच्छा बना है ना सब्जी, राजमा और किराई दल की सब्ज़ी। ज़रूर बनाइए घर में, सबको पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाइएगा। गैस को बंद कर दिए, अब एक प्लेट में सर्व करने जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, देख सकते हैं। चलिए आपको दिखा भी दिए, अब एक प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा से सर्व कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। इसको ऊपर से थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए लाल हरी मिर्च डाल दिए, एक ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे। इससे ना देखने में सुंदर लगेगी, जैसे रेस्टोरेंट में होटल में सर्व किया जाता है ना, उसी टाइप से थोड़ा सा नया लुक दे रहे हैं इसको, इसलिए ऊपर से एक धनिया पत्ता डाल दिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको लगता है मैं किसी भी रेसिपी को बना सकती हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, सब्सक्राइब।